क्या ऐसे जो आन पड़ी है आपको परेशानी, जो आप जो है मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है आप मोर्चा संभालने वाली हैं और जो शपथ भी लेने वाली हैं, सरकार बनाने में और बिगाड़ने में जो है अति शिक्षकों को जैसा कि हमें बताया गया है अहम भूमिका होती है, आपका अगला कदम क्या होगा सरकार के खिलाफ? आज से ही हम अदिति संघ ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया है। अब फरवरी से अभी स्टार्ट कर दिया, स्कूल का बहिष्कार कर दिया, अब आगे स्कूल नहीं जाएंगे। आप स्कूल नहीं जाएंगे? जब आप स्कूल नहीं जाएंगे तो आपका घर का भरण पोषण कैसे हो सकेगा, क्या जिसराज मामा को बता पाएंगे मीडिया के माध्यम से? तो अभी भी कौन सा हो जाता है, अभी भी नहीं होता है, तो फिर आगे भी अभी फिर जैसा भी चल रहा है वैसे ही आगे। जब आपका घर का भरण पोषण नहीं हो पाता होगा तो जाहिर सी बात है कि आप किसी से कर्ज लेती होंगी। अब तो व्यापारियों ने अतिथि शिक्षकों को जो है कर्ज देना भी बंद कर दिया होगा। क्या शिवराज मामा को जो है संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि सरकार जागे और आपकी मांगों को पूरा करे? जी, हम लोग की मांगों को पूरा करे वो, और जो अतिथि संघ है उनको परमानेंट करे, यदि नहीं किया उनने तो फिर उसका भुगतान उनको आगे चुकाना पड़ेगा। जैसा कि अमूमन माना जा रहा है मध्य प्रदेश में जो है असेंबली चुनाव 2018 में आने वाले हैं, इसी सन में क्या आप लोगों का जो है विपरीत जाने वाले हो, आप लोग उनको वोट नहीं करोगे जिसकी शपथ लेने वाले? यदि वो परमानेंट नहीं करेंगे तो फिर नहीं करेंगे। अगर उन्हें आश्वासन दे दिया चुनाव से पहले कि हमको चुनाव के बाद सरकार बनाने के बाद आपके आपको नियमितीकरण कर दिया जाएगा, अगर आपको आश्वासन दिया जाता है लेकिन आपकी बात मांगी नहीं जाती, अगला कदम जो है अति शिक्षकों का मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ शिवराज मामा के खिलाफ क्या होगा? वोट नहीं देंगे, चुनाव सपोर्ट करेंगे चुनाव से पहले? नहीं, अगर हमारा मकसद कहने का ये है कि सरकार मतलब सरकार बनने से पहले अगर आपको नियमितीकरण करता किया जाता तो आप मान लेंगे, और उन्हें आपको आश्वासन दिया कि सरकार बनाने के बाद नियमितीकरण किया जाएगा तो आप वोट देंगे सरकार? आश्वासन नहीं मानेंगे। मान लें कि आप जो है अब आश्वासन से आपका काम नहीं चलेगा, 2018 में चुनाव से पहले जो आपकी बात मान ली जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया।